हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे खेत में केला का प्लांटेशन हो चुका है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पौधा लाते समय दिखाया था कि मैं कौन सा पौधा ला रहा हूँ और मेरा केले का पौधा कैसा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि केले का प्लांटेशन किस तारीख से किस तारीख तक हो जाना चाहिए और प्लांटेशन करते समय खेत को कैसे तैयार करें और नीचे से कौन से फर्टिलाइज़र वगैरह दें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सबसे पहले अपना प्लाट दिखाते हैं जिसमें हमने प्लांटेशन किया है, तो पौधा कैसा है, क्योंकि कल ही प्लांटेशन हुआ है तो आज क्या कंडीशन है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा प्लाट है जिसमें केले का प्लांटेशन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये मेरा एक एकड़ का प्लांट है जिसमें मैंने केले का प्लांटेशन किया है। तो आप पौधे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हैं, क्योंकि पौधे का साइज एकदम मीडियम था, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। बहुत बड़ा भी पौधा नहीं लगाना चाहिए खेत में और बहुत छोटा भी, तो मीडियम साइज़ का पौधा चूज करें अपने खेत में प्लांटेशन करने के लिए। मैं भी यही करता हूं, क्योंकि मीडियम साइज़ का जो पौधा होता है वो नीचे से अच्छे से ग्रोथ लेता है और जो बड़ा पौधा होता है उसको लगाने के बाद वो एक बार रुकता है, उसके बाद फिर से चलता है। छोटे प्लांटेशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पहले रुके फिर उसके बाद चले, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कल ही प्लांटेशन किया और पौधा एकदम स्वस्थ है और एकदम खिला हुआ तरोताज़ा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि खेत कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, खेत को तैयार करने के लिए मैंने अपने खेत में सबसे पहले जो काम किया था वो जुताई करने के बाद लेबलिंग करवाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने खेत का जो है वो अपने हाथ से, क्योंकि मेरे पास खुद का लेबलर है, सारा कुछ है, तो सबसे पहले अच्छे से सूखे खेत में अपने खेत की जुताई कर ली, उसके बाद अच्छे से लेबलिंग कर लिया जब खेत एकदम बराबर हो गया, क्योंकि केले में खेत एकदम बराबर होना चाहिए केला प्लांटेशन के लिए, ताकि जब भी हमारा खेत में पानी लगे, सिंचाई हो या बारिश हो, तो पूरे खेत में बराबर पानी रहे। और अगर आपको कहीं पानी उतारना है तो आप नीचे पानी काट दीजिए, उतर जाए, सारा पानी उतर जाए, आपके खेत में कुछ भी पानी ना बचे, क्योंकि बारिश के महीने में आपके खेत में बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए। जिन लोगों के खेत में बारिश का पानी रुकता है उन्हीं के खेत में जो केले का प्लांट है वो जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाता और जल गगन की समस्या, काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। तो खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, इस तरीके का खेत होना चाहिए, और ऊंचा नीचा भी खेत नहीं होना चाहिए कि एक तरफ साइड में खेत में पानी नहीं है और दूसरे साइड में भरा हुआ है। तो जहाँ पर पानी का भराव होगा वहाँ पर केला आपका इधर नहीं चलेगा और बारिश भर उधर केला आपका डाउन ही रहेगा, और जिधर ऊंचा होगा उधर भी, उधर गर्मी में नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे जब आप खेत में सिंचाई करेंगे तो नीचे साइड में ही रहेगा, ऊपर साइड पानी नहीं रहेगा। तो आपका खेत लेबलर से लेबलिंग होना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात, आपका खेत अगर मान लीजिए किसी ऊंची जगह पे है जहाँ पर आपको सिंचाई करने के बाद, मान लीजिए जैसे बारिश में बारिश हुई, आपके खेत में जल भराव हुआ, आप काट दिए, नीचे उतर गया, तब तो ठीक है। अगर आपके खेत में आपको ज़रा सा भी शंका लग रही है कि पानी एक दो दिन के लिए रुक सकता है, तो आप अपने खेत में देख सकते हैं जिस तरीके के मेरे खेत में बेड बने हुए हैं छोटे छोटे, इस तरीके के आप बेड बना सकते हैं जो आपके घर में होंगी। क्यारियाँ बनाने वाली मशीन जो ट्रैक्टर से चलती हैं, मैंने उसी से बनाई हैं, आप भी उससे बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है, अभी दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, हल्का सा ऊंची, आप मान लीजिए ज़मीन से केवल 2 इंची ऊंची बना लीजिए, बस मेन ज़मीन से 2 इंची अगर ऊंची है तो आपका काम चल जाएगा। इस बेड पे जो केला है वो बहुत अच्छे से चलता है, मैंने अब ऐसा लगाया है, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा और दिखाता रहूँगा, ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा और मेरा फर्टिलाइज़र बहुत बचाएगा, क्योंकि अगर पौधा आपका केले का चल गया, अच्छे से चलता रहा, तो आपका कोई केले में इधर बहुत ज़्यादा कोई खाद नहीं पड़नी है ना कोई बहुत ज़्यादा दवा, अगर अच्छे से चलता रहा तो। अगर ये पौधा ना चला तो
तो समझ लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। आप इसमें दवा डालते रहेंगे, बीच बीच में खाद डालते रहेंगे, सारा कुछ डालते रहेंगे, लेकिन पौधा चलेगा नहीं। तो ये बेड बनाना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी ही है, तो मैं हर साल बेड बना के ही लगाता हूँ। तो दूसरी बात ये हो गई, और तीसरी बात, आप लोगों को खाद कौन सी देनी है। दोस्तों मैं पहले इसमें जब पौधा लगाता था तो खाद वगैरह दिया करता था, नीचे से NPK वगैरह दे देता था, कई चीज़ें दे देता था, लेकिन अब मैं खाद नहीं देता हूँ। लगाते टाइम पे अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो सबसे बेस्ट है, आप उसको दे सकते हैं। बाकी रासायनिक खाद ज़्यादा कोई देने से पौधे में थोड़ी थोड़ी सड़न की समस्याएं बीच बीच में आया करती हैं। तो अब की बार मैंने कोई रासायनिक खाद नीचे से नहीं दी है, केवल जो आपका फ्यूराडान आता है उसको नीचे से पौधे डलवा दिया है, और जो माइकोराइजा आता है केवल इन दोनों चीज़ों का नीचे से मिट्टी में मिक्सिंग करवाया है, बाकी कुछ भी नहीं डलवाया नीचे से फर्टिलाइज़र, ऐसे ही पौधा लगवा दिया गया है। अब जो भी आगे कार्यक्रम होंगे इसमें आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। तो मेरा ये सलाह है कि अगर आपका खेत बहुत कमज़ोर है तो आप उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिक्स करवाएं, क्योंकि गोबर की खाद अगर आपके खेत में पड़ी हुई है तो आपके केले को बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरे खेत में इस टाइम पर तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन इससे पहले इस खेत में तरबूज लगा हुआ था, तो तरबूज के पहले मैंने गोबर की खाद इस खेत में डलाई थी, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो अब तक होगा ही, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल तक गोबर की खाद का असर रहता है खेत में। तो मैंने इस टाइम पे गोबर की खाद नहीं डलवाई है, बाकी मेरा खेत मजबूत है, अच्छे से फर्टाइल भी है, तो चलता रहेगा। तो दोस्तों जो जो कुछ मैंने अपने प्लांट में दिया है वो सारा कुछ आप लोगों को बताया है, आगे जो भी दूंगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा, जो भी इसमें सिस्टम होता जाएगा वो सब मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अब की बार वीडियो स्किप नहीं होगा, बीच बीच में आते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को बना के देता रहूँगा छोटे छोटे। आप लोगों का मान लीजिए जो भी लाभ हो सकता है आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं इस प्रकार के, जो लोग केले की खेती करते हैं, ताकि वो भी लाभ इसका उठा पाएँ। मैं बहुत बड़ा कोई किसान तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास छोटी भी मोटी जानकारी होती है मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मेरे पास देते रहें, ताकि जो कमियां इसमें हैं मैं भी उनका सुधार करूं और आप लोगों से कुछ मैं भी सीख पाऊं, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से खेती बहुत दिन से कर रहे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग तो वो भी कुछ सुझाव दे के मुझे थोड़ा सलाह दे सकते हैं, क्योंकि 100% कोई सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां सबके पास होती हैं, तो कुछ कमियां हो सकती हैं मेरे प्लाट में भी हों, तो जो भी आप लोगों को लगे आप लोग बता सकते हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।